संदलपुर में चल रही पंडित कमल किशोर नागर की भागवत कथा में आए श्रद्धालुओं की सेवा में नगर व आसपास के श्रद्धालु सेवा भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खातेगांव जवाहर चौक चौपाटी चौराहे विजय गर्ग अजय परनामी मोनू गर्ग बताते हैं कि उनके और उनके सहयोगियों के द्वारा कथा पंडाल के समीप चिल्ड वाटर पानी का काउंटर लगा है जो निःशुल्क श्रद्धालुओं को प्रतिदिन ठंडा जल उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन प्रतिदिन एक स्टॉल पर 400 से 500 तक चिल्ड वाटर का पानी आए हुए श्रद्धालुओं को पिलाया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत संदलपुर के द्वारा भी जगह जगह पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई। कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमने इस चीज से शुरुआत की थी। हमारा पूरा परिवार उसमें समर्पित हो गया। हम लोगों ने सेवा की थी सभी लोगों को जल पिलाने की और वही परंपरा को आगे बढ़ाते हमने यहाँ भी अब पूरी स्टॉल की व्यवस्था की है। और हमारे स्टॉल में जल के अलावा ORS का घोल, तुलसी का अर्घ का जल, इसके अलावा पूरी मेडिसिन, इसके अलावा यदि कोई श्रद्धालु थका हुआ आता तो उसकी सेवा की पूरी। हमने देखा है आप बच्चों को टाफियां भी वितरित करते हैं। जी जी, छोटे छोटे बच्चे क्या इतनी भीड़ में घबरा जाते थे और परेशान भी बहुत बच्चों पेरेंट्स को करते, तो हमने ये सोच के कि बच्चे लोग परेशान हैं उनको टाफी मिल जाती है। क्या प्रतिदिन कितनी केन उड़ जाती है यहाँ पर? 200 से 250 केन प्रतिदिन यहाँ उड़ जाती है। इसके अलावा हमने एक टैंकर RO के टैंकर की व्यवस्था भी यहाँ की जिसमें ठंडा पानी रहता है हमेशा, तो वो टैंकर भी हमने भी स्टॉल के साइड में लगाया, आप देख रहे होंगे साइड में। आपके मानस से कितने भक्त लोग यहाँ पधारे होंगे? मेरे हिसाब से अभी दो दिन से 20 से 25 हजार की जनसंख्या यहाँ पे रही और श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। सभी को आप संतुष्ट पानी, कोशिश हमारी पूरी कि हमारे स्टॉल पे यहाँ जो भी आए पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जाए, ठंडे जल से मिले और सेवा का ऐसा ऊपर वाले की महिमा से और संत सिंगाजी बाबा की कृपा से हमें मौका मिले। परिवार उनके जितने सहयोगी है उनको भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। पेयजल जल जल ही जीवन है, यह आपने वास्तव में प्रकट करके दिखा दिया। आप